हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाली है, यूनिट ओल्ड है, यूनिट नंबर 4 चल रहा था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और प्रत्यावर्ती धारा। तो पहला टॉपिक खत्म हो गया है और यहाँ पे हमारी जो टॉपिक चालू होने वाली है प्रत्यावर्ती धारा एसी अल्टरनेटिंग करेंट। इस चैप्टर का नाम हम देख रहे हैं। अल्टरनेटिंग ए सी करेंट, ए सी स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग करेंट। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें तो उससे पहले हम थोड़े से एसी और डीसी के बारे में समझते हैं और एक बीच में 19वीं शताब्दी, जब 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई, मतलब जिसे 20वीं शताब्दी की बात करें, उस समय इलेक्ट्रिक वार चल रही थी दो साइंटिस्ट के बीच में, कोल्ड वार थी। अभी मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, एडिशन अल्वा के और निकोलस टेस्ला के बीच में, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही हम ये दोनों टॉपिक एसी और डीसी समझेंगे और उस वार के बारे में समझेंगे, फिर हम मूव करेंगे चैप्टर पे जो कि नेक्स्ट क्लासेस में होंगी। और ये वीडियो आप पूरे प्रॉपर तरीके से पूरा कंप्लीट देखिएगा एसी और डीसी में, और उस इलेक्ट्रिक वायर के बारे में समझिएगा। नेक्स्ट जो है, ये यूनिट ख़त्म होने के बाद में हमारी जो यूनिट होगी विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यूनिट नंबर 5, छोटा सा है, 4-5 क्लास इसमें लगेंगे, मतलब कुल मिला के, और 3-4 टॉपिक आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में छूटे हुए हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत टफ नहीं है। तो 13-14 दिन जो आप लोगों के इस क्लास के बीच में लगेंगे, उसके बाद में आप लोग प्रॉपर तरीके से मेंटली सेटअप हो जाएगी कि कौन से चैप्टर मुझे कौन सी यूनिट पढ़नी है, उस यूनिट को आप हमको बता दीजिएगा, उस यूनिट को फिर उन्होंने चालू करेंगे। 3 यूनिट आप लोगों के ख़त्म हो चुके हैं बिफोर 15th अगस्त, मतलब 15 अगस्त से पहले 3 यूनिट आप लोगों के ख़त्म हो चुके रहेंगे। उसके बाद में जो आप लोगों की इच्छा होगी, जो यूनिट कहिएगा, उस यूनिट को मैं पढ़ा दूंगा। टॉपिक पे हम बात करते हैं एसी और डीसी के बारे में। सबसे पहले हम एसी और डीसी को हम समझते हैं। एक साइड में लिख लीजिए एसी और एक साइड में लिख लीजिए डीसी। ये सिलेबस की टॉपिक नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन नॉलेज पे आप, नॉलेज बेस्ड ये क्वेश्चन है जिससे आपकी दिमाग थोड़ी सी बढ़ जाए, ठीक है ना, मतलब परसेप्शन आपके बढ़ जाए। और एसी हम पढ़ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है दो प्रकार से हो सकता है, एसी और डीसी, और हमको जो यूनिट पढ़नी है वो एसी में पढ़नी है। इसकी हम जो है डिफरेंस देखें कि क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है एसी की, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल हो सकता है, मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा लॉन्ग डिस्टेंस तक हो सकता है। मीन्स इसका डिस्ट्रीब्यूशन लेस है, लेस डिस्टेंस, एग्जांपल समझते हैं। जो डीसी है ये मैक्सिमम आधे मील तक, यानी आधे मील में लगभग 800 मीटर तक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, यानी ये लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं जा सकता। एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे बैटरी है, तो बैटरी में अगर हम बात करें कि बैटरी की डिस्टेंस, अगर इन्वर्टर की बैटरी की सप्लाई अगर कह दीजिए, तो इन्वर्टर की बैटरी से हम मैक्सिमम 700-800 मीटर तक हम लाइट को जला सकते हैं, टीवी को चला सकते हैं, वो भी डीसी रिसोर्स पे। अगर हम इन्वर्टर को ना लगाएं, डायरेक्ट अगर बैटरी से मुझे कनेक्ट करना हो तो 800 मीटर मैक्सिमम बल्ब जला सकते हैं, मतलब उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है काफ़ी कम है, ठीक है। एसी जो है, जो आपके घरों में करेंटली विद्युत चल रही है, पंखा चल रहा है, बल्ब टीवी चल रहा है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखे होंगे कि किसी सब स्टेशन से आता है लाइट, जो कि 500 किलोमीटर से हो सकता है, 1000 किलोमीटर से हो सकता है, 50 किलोमीटर से हो सकता है। मीन्स एसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और डीसी का नहीं उतना बड़ा है, ठीक है। दोनों चीज़ क्लियर हो गई होगी। बैटरी जो आपकी है मोबाइल में, बैटरी वो डीसी पे वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब समझते हैं एसी हो गया डीसी हो गया। इसमें हम दूसरी इसकी जो मेरिट या कहें या डिमेरिट कहें, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। और इसको हम स्टोर कर सकते हैं,
ठीक है। स्पोर्ट सेंस मतलब ये है, जैसे फैन है, लाइट चली गई तो तुरंत जैसे ही लाइट चली गई फैन अपना बंद करना, एसी पे चल रहा है तो यानी फैन अपना काम तुरंत क्या हो जाएगा, बंद कर देगा। ये ऐसा नहीं है कि दो एक घंटे तक पंखा चलता रहेगा, जैसे ही एसी की सप्लाई प्रॉपर वे में बंद हुई वैसे ही जो है आपके जो चैनल जो डिवाइसेज हैं वर्क करना बंद कर दिए। तो यानी एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं और डीसी को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में चार्जर है तो मोबाइल में बैटरी है तो उसको लाइट भी नहीं रहेगी, तभी हम डीसी के रिसोर्स से जो दो चार दस घंटे जो बैकअप हमको मिलती है उसको हम डीसी के माध्यम से उसको हम चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी इसका जो ये है ग्राफ है, इस प्रकार से चल सकती है, ये बोथ डायरेक्शन में चल सकती है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। और ये जो डीसी होती है ये केवल यूनी डायरेक्शन में चलती है, सिर्फ एक मतलब कार्टिजन की दोनों तरफ चल सकती है, समय के दोनों तरफ ग्राफ में चल सकती है और ये केवल एक ही ग्राफ में चल सकती है। दूसरा अगर मैथमेटिक्स के फॉर्म में कहें तो ये मैथमेटिक्स में जो ग्राफ होते हैं, जो एंगल होते हैं साइन कॉस टेन कॉट, तो ये जो ग्राफ है ये साइन को रिप्रेजेंट करता है। जब आप लोग प्रोग्रामिंग तरंगे या कोई भी तरंगे पढ़े होंगे तो उस केस में जब ग्राफ जीरो से प्लॉट होगी इस प्रकार से ग्राफ, तो उसका इक्वेशन साइन के फॉर्म में लिखे होंगे। अगर जीरो से नहीं स्टार्ट हो रही, ऊपर से स्टार्ट हो रही, तो उसके साथ इक्वेशन कॉस का इक्वेशन ऐड किया जाएगा। तो ये अगर हम कहें कि इसकी ग्राफ बताइए तो यानी आपका ये हो गया ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी टॉपिक होगी, एसी जो है मोर डेंजरस है, मतलब इसमें खतरे ज्यादा हैं, तो यानी आप ये लिख सकते हैं मोर डेंजरस, और ये लिख सकते हैं लेस डेंजरस। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ा है रेक्टिफायर दिष्टकारी, हमने वहां पे डिस्कस किया था कि दिष्टकारी एक ऐसी युक्ति है, डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। यहाँ पे एसी की डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, एसी से डीसी को कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होगी उसको हम कहेंगे रेक्टिफायर, दिष्टकारी से हम यूज करेंगे। और उस समय बताए थे मोबाइल में जो चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर में रेक्टिफायर लगा रहेगा, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे डीसी से एसी में जो कन्वर्ट करने के लिए जो यूज होती है सोलर सेल होती है, सोलर पैनल होता है, जैसे जो घरों में सोलर पैनल लगे होते हैं ये डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी फॉर्म में लाइट आती है और एसी में इसको ये कन्वर्ट कर देता है, तो डीसी से एसी में सोलर पैनल कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये इतने टॉपिक हो गए। फ्रीक्वेंसी की हम बात करेंगे तो ये जो ग्राफ चल रही है ये फ्रीक्वेंसी जो आपकी है ये यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल इसे बोलेंगे, एक अप और एक डाउन, ये पूरी एक साइकिल। तो इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है फ्रीक्वेंसी ये 50 हर्ट्ज पे होती है, ठीक है, 50 हर्ट्ज की होती है ये फ्रीक्वेंसी, और इसको पावर फैक्टर लगा के हम बढ़ा थोड़ा घटा सकते हैं, ठीक है, डिवाइसेज लगा के इसको हम बढ़ा थोड़ा घटा सकते हैं, लेकिन नाउ इंडिया जनरली इट इज यूज 50 हर्ट्ज। जैसे बल्ब के ऊपर अगर लिखे हैं ना तो बल्ब जब देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो यानी एक सेकेंड में अगर इसकी यानी फ्रीक्वेंसी एक है तो 50 हर्ट्ज है, यानी एक सेकेंड में जो बल्ब हमारा है 50 बार जलेगा और 50 बार बुझेगा, यानी जो हमारी अपनी नेक डाई से नंगी आंखों से हम नहीं उसको डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं, तो यानी इसके बीच जो डिफरेंस है वो 50 हर्ट्ज की है, ठीक है। और जब हम डीसी की बात करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, नो फ्रीक्वेंसी, जीरो फ्रीक्वेंसी नहीं कहेंगे, जीरो मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता, तो इसमें लिखेंगे नो फ्रीक्वेंसी। ये आपके एसी और डीसी के बीच के डिफरेंस हो गए, ठीक है। अब हम और एक टॉपिक, हम इसमें एक और टॉपिक आप इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है, नॉलेज बढ़ाने के लिए आपके एक टॉपिक और हो सकते हैं इसमें कि इसमें फेज और न्यूट्रल होता है, फेज न्यूट्रल जब वायर जाता है जो खंभे से फेज और न्यूट्रल वायर जाते हैं ना उसमें फेज और न्यूट्रल होते हैं, जैसे तार जा रहा है तो आप नीचे वाला जो सबसे होता है वो न्यूट्रल होगा, ऊपर वाले फेज हो जाएंगे, ठीक है, दो कहीं कहीं पे आपके गांव में हो जाएंगे दो फेज एक न्यूट्रल, कहीं कहीं पे तीन फेज एक न्यूट्रल हो जाएंगे, वो आगे की क्लासेज में हायर स्टडी में आप लोगों को मिलती रहेगी ट्रिपल ई ब्रांच में। नेक्स्ट यहाँ पे डीसी में जब देखेंगे तो बैटरी डीसी सोर्सेज है तो वहाँ पे बैटरी में प्लस होती है और माइनस होती है, यानी जो वैद्युत विभवांतर यहाँ पे जनरेट होगा वो प्लस माइनस से होगा, ठीक है। तो ये आपके एसी और डीसी के डिफरेंस हो गए। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वायर के बीच में, इलेक्ट्रिक वायर
मतलब एक तरह से दो साइंटिस्टों के बीच में युद्ध थी, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक वार, मतलब विद्युत के बीच में जो युद्ध थी, विपन वाले वार नहीं थे, कोल्ड वार थे, मतलब बात बात में वार थे, या किसी भी कंपनी को प्राप्त करने का एक वार था कि हम आगे बढ़े हम आगे बढ़े। सबसे पहले आई थी जब एडिशन ने बल्ब का खोज किया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा टेंथ में, एक चैप्टर ही रहा होगा, द साइंटिस्ट हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ठीक है, वहां से आप लोग क्लियर होगा कि था एडिशन अल्वा ने एक बल्ब की आविष्कार किया, तो उस बल्ब का आविष्कार लगभग उन्होंने किया था 1879 के दशक में। तो उस बल्ब को चलाने के लिए हमको कुछ इलेक्ट्रिक करंट भी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले जो डेवलप किए एडिसन ही ने डेवलप किया, और उनकी ये कंपनी थी डीसी इलेक्ट्रिसिटी, जो उन्होंने किया डायरेक्ट करंट की खोज किया, ठीक है, और उन्होंने डायरेक्ट करंट का जो खोज किया तो एक सब स्टेशन के माध्यम से छोटे छोटे जहाँ पे हाई पॉपुलेटेड डेंसिटी थी, जहाँ पे लोग कम एरिया में ज़्यादा लोग रहते थे, तो उन्होंने सब स्टेशन बनाया, एक कंपनी टाइप खोले, ठीक है, और सबसे पहले जो कंपनी डीसी की थी, डीसी सब स्टेशन की थी, एडिसन की ही थी, और ये एडिसन उस समय के रिचेस्ट पर्सन से भी थे, मतलब धनी व्यक्ति से भी थे काफ़ी, और इनकी कंपनी के कारण इनकी लोकप्रियता भी बहुत ज़्यादा थी, पहले आए थे, ठीक है। तो इसमें इनकी डिमेरिट्स ये थी कि अभी मैं बताया हूँ कि ये मैक्सिमम 800 मीटर तक इसकी जो है लाइट की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, ठीक है, अधिकतम दूरी तक नहीं जा सकता है। उसी समय में एक ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे निकोलस टेस्ला, ठीक है, तो निकोलस टेस्ला इस ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सोचा कि जो ये डिमेरिट्स थी, ठीक है, ये जो डिमेरिट्स है, जो एसी की डीसी की जो डिमेरिट्स है, इसको हम किस प्रकार से दूर करें, तो उनके बीच में एक एसी का आइडिया आया कि हम एसी अल्टरनेटिव करंट को जो है जनरेट करें, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो सकता है, इसकी कास्ट कम आ सकती है, इसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कम हो सकती है, ठीक है। तो उस समय निकोलस टेस्ला जो थे एक यंग यूथ थे, मतलब एक काफ़ी, एक मिनट लाइट, एक यंग जनरेशन के एक यूथ थे, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम लाइट के कारण थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, अब यहाँ पे देखेंगे निकोलस टेस्ला की बात चल रही। तो जब निकोलस टेस्ला ने ये सोचा कि हम एक आइडिया दें कि जो है इस प्रकार से और सूटेबल हो सकती है, इजली अवेलेबल हो सकती है, तो उस समय चूंकि मिलने के लिए एडिशन काफ़ी रिचेस्ट पर्सन थे, उनसे कोई नॉर्मली मिल नहीं सकता था, ठीक है, कि मतलब उनसे कोई डायरेक्ट मिल पाए उसके लिए, तो जब मिलने के लिए निकोलस टेस्ला गए एडिशन के पास, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई एक ऐसा, पहले आप कॉन्सेप्ट दिखाइए कि हमको समझ में आए तो हमें मिलो। संयोग बस एक उस समय जो डीसी पे वर्क करने वाली एक नाय थी, मतलब जो बोट थी, जो कि मैरीन बोट थी, उस वो मशीन खराब हो चुकी थी और उसको कोई सही नहीं कर पा रहा था, अच्छे अच्छे इंजीनियर आए कोई सही नहीं कर पाए, तो निकोलस टेस्ला उसको गए और सही कर दिए। तो जब निकोलस टेस्ला सही कर दिए तो काफ़ी ख्याति जो उनकी पॉपुलरिटी थी निकोलस टेस्ला की बढ़ गई, और एडिसन ने मिलने के लिए उनको बुला लिया। जब अपना प्रोजेक्ट दिए ये निकोलस टेस्ला और कहे कि ऐसे ऐसे हो सकता है एसी को, तो उनको तो पसंद आया एडिसन को, लेकिन एडिसन ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, उस प्रपोजल को इसलिए रिजेक्ट कर दिया, दो चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए हो सकती हैं कि एक प्रकार से कि उतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए होंगे ऑलरेडी, जैसे मान लीजिए सबसे पहले भारत में नेट इंटरनेट का संकल्पना दिया था बीएसएनएल ने अपने कंपनी से किया था, किसी तरह से ओएफसी को केबल को फैला फैला कर, बाद में टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, वोडाफोन आ गए, जियो आ गए, ये लोग वायरलेस केबल वायरलेस बेस्ड पे अपनी जो है इंटरनेट को जो है प्रमोट कर दिए। तो अब ये देखेंगे कि जब टेक्नोलॉजी जब बेहतर हो गई तो क्वालिटी भी बढ़िया हो गई और कास्ट भी कम हो गया, लेकिन अब बीएसएनएल के पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी को रिमूव करे, ठीक है,
जैसे पूरे गांव में पिछले की गांव के समय में अगर देखिए तो एक टीवी जिसके पास रहती थी, एक टेलीविजन रहती थी, तो वो रिचेस्ट पर्सन के पास रहती थी। लेकिन इतने ज़्यादा उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसके कंपेयर में आज LED टीवी आ गई, प्लाज्मा टीवी आ गई, कोई भी टीवी आ गई, तो उसके कंपेयर में क्वालिटी भी बेहतर हो गई। अब जो पहले वाला पर्सन रिचेस्ट था, ठीक है, उसको अगर उस टेक्नोलॉजी को रिमूव करना हो तो उतना पैसा उसका क्या हो जाएगा, खराब चल जाएगा। तो सेम सिचुएशन एडिसन के पास ये भी हो सकता था कि अगर हम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं, अगर इसको हम रिमूव करें तो जो है हमारे पास कास्ट ज़्यादा पड़ेंगे। दूसरी एडिसन के बारे में ये हो सकता है कि ये सोच सकते थे कि एडिसन ये सोचे होंगे कि जो है अगर हम इनको जो है आगे प्रमोट करें तो कहीं ना कहीं हमारी जो माइंड की जो लोगों के बीच में ख्याति होगी वो काम होगी। तो उनके बीच में दो संभावनाएं हो सकती थी। उन्होंने फाइनली प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और चूंकि पैसे इनके पास टेस्ला के पास थे नहीं, निकोलस टेस्ला के पास थे नहीं, तो इनको किसी भी प्राइवेट कंपनी का एक समर्थन चाहिए था कि हम आपके प्राइवेट कंपनी में बिजली देंगे, आप हमको इतना इन्वेस्ट दीजिए। तो कोई एक कंपनी का मालिक था जो कि इनका समर्थन किया निकोलस टेस्ला का, और इनकी कंपनी स्टेबल हो गई एसी के फाल में, ठीक है। अब एसी के फाल में जब इनकी कंपनी स्टेबल हो गई, ये ज़्यादा ख्याति इसलिए भी हुए क्योंकि इनकी कास्ट जो है कम भी थी, मतलब डीसी का कास्ट ज़्यादा पड़ता था, एसी का कास्ट बिजली कंजम्पशन कम पड़ता था, ठीक है। तो बाद में जो है एडिसन ने फिर ये सोचा कि हम किस प्रकार से इनको डिमेरिट करें। तो इन्होंने ये कहा कि जो डीसी है वो लेस डेंजरस और एसी है काफ़ी डेंजरस है, मतलब डिफीट उनको डिफीट करने के लिए। तो जब डेंजरस के नाम पे उन्होंने दिखाया कि जो एक क्रिमिनल का उस समय एक क्रिमिनल का मैटर चलता था 1890 में, एक क्रिमिनल था कैम्बलर, और कैम्बलर जो विलियम कैम्बलर, और कैम्बलर सबसे पहला एक ऐसा जो है क्रिमिनल था कि जिसको मौत के तौर पे, सजा के तौर पे इलेक्ट्रिक से सप्लाई किया गया था, ठीक है। मतलब पहली जो मौत इलेक्ट्रिसिटी से दिया गया वो थे विलियम कैम्बलर 1890 के दशक में, 1890 में। तो बाद में फिर जो है एडिसन के पास पावर लोकप्रियता जा रही थी, उन्होंने कहा कि इससे बेहतर ये था क्रिमिनल को मारने से पहले इसको जिंदा आरी से काट दिए होते, ठीक है। तो उसके बाद में ये हुआ ऐसे ऐसे कि फिलहाल ऐसे युद्ध चलता रहा, डिमेरिट चलती रही एडिसन और अल्वा में, एडिसन में और टेस्ला में चलती रही। फाइनली आप लोग आज के समय में देखते हैं एसी ज़्यादा पॉपुलर है और उसका श्रेय जो है निकोलस टेस्ला को है, और जो डीसी है डीसी का श्रेय किसको है, एडिसन को है। फिर हम फर्दर जो अगली हमारी क्लास होगी एसी का, एसी जनरेटर की, हम एसी को जनरेटर कैसे यूज करते हैं वो आपके सिलेबस का रहेगा, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और बाकी आप लोग मेंटली प्रिपेयर रखिएगा कि हमको कौन सी यूनिट पढ़नी है, उसको आप लोग बता दीजिएगा। मैं जैसे ही 3 यूनिट ख़त्म होगा, अच्छे से ख़त्म होगा, 10-12 क्लासेज में 3 यूनिट ख़त्म हो जाएंगे, वैसे जो यूनिट आप लोग कहेंगे उसको मैं पुनः पढ़ा दूँगा, ठीक है।